वेलकम बच्चों, मैं दिवारचंद दास एक बार फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। स्टूडेंट्स और गार्जियंस से मेरा बहुत ही पुराना और घनिष्ठ संबंध है। मैं हमेशा ही उन लोगों के बीच बना रहता हूं। स्टडी विद दुलार में मैं काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों के साथ बना रहूँगा। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे चैप्टर 4, ये क्लास 3 की इंग्लिश बुक है और चैप्टर का नाम है इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू फ्रेंड, एक नए मित्र का परिचय। यहाँ पे तीन दोस्त हैं, मुकेश, अभिषेक और रमन। अभिषेक जो है वो मुकेश के साथ रमन के यहाँ आया हुआ है, तो उन तीनों में बातचीत होता है। रमन के यहाँ आया हुआ है तो रमन सबसे पहले पूछता है, रमन, मुकेश हु इज़ विथ यू, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। रमन बोलता है, मुकेश तुम्हारे साथ कौन है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मुकेश बतलाता है, ही इज़ माई फ्रेंड अभिषेक, यह मेरा दोस्त अभिषेक है। ही इज़ माई फास्ट फ्रेंड एज यू आर, ये मेरा सच्चा मित्र है जैसे कि तुम हो। रमन बोलता है, नाइस टू मीट यू अभिषेक। अभिषेक से मिलते हुए बोलता है, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई अभिषेक। अभिषेक भी बोलता है, नाइस टू मीट यू, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। फिर रमन बोलता है, मुकेश इज माई फास्ट फ्रेंड, यू आर हिज फ्रेंड, सो यू आर ऑल्सो माई फ्रेंड। मुकेश मेरा सच्चा दोस्त है, तुम उसके दोस्त हो इसीलिए तुम मेरे भी दोस्त हुए। अभिषेक बोलता है, ऑफकोर्स यू आर माई फ्रेंड एज मुकेश इज माई फ्रेंड, जरूर तुम मेरे दोस्त हो जैसे कि मुकेश मेरा दोस्त है। रमन बोलता है, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से आए। अभिषेक, आई एम फ्रॉम वाराणसी, मैं वाराणसी से आया हूँ। प्रेजेंटली आई एम लिविंग एट कंकड़बाग पटना विथ माई पेरेंट्स, फिलहाल मैं अपने मम्मी पापा के साथ कंकड़बाग पटना में रहता हूँ। माई फादर इज ए बैंक एम्प्लॉय हियर, मेरे पिताजी यहाँ एक बैंक कर्मचारी हैं। रमन, डू यू लिव एट नियर बाय मुकेश, क्या तुम मुकेश के घर के सामने रहते हो। अभिषेक, यस आई डू, हाँ मैं वहीं सामने रहता हूँ। मुकेश बोलता है, अभिषेक लिव्स जस्ट बिसाइड माय रेसिडेंस इन ए रेंटल हाउस, अभिषेक ठीक मेरे घर के बगल में एक किराए के घर में रहता है। रमन, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू आर फ्रॉम वाराणसी, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम वाराणसी में रहते हो। आई हैव नेवर विजिटेड वाराणसी बट आई नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाराणसी, मैंने वाराणसी कभी नहीं देखा है लेकिन मैं वाराणसी के महत्व के बारे में जानता हूँ। इट इज़ ए हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस सिटी, यह एक ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है। इट इज़ ए वेरी ओल्ड सिटी, यह बहुत पुराना शहर है। वी आर प्राउड ऑफ सच ए ग्लोरियस प्लेस इन आवर कंट्री, हमारे देश के ऐसे प्रसिद्ध जगहों पर हमें गर्व होना चाहिए। अभिषेक बोलता है, रियली वाराणसी इज़ वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, सचमुच वाराणसी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हेयर यू कैन विजिट मैनी इम्पोर्टेंट टेम्पल, यहाँ पे तुम कई महत्वपूर्ण मंदिरों को देख सकते हो, जैसे कि बाबा विश्वनाथ मंदिर, संकमोचन मंदिर, इसके अलावा और भी मंदिर हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तुमने अवश्य ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में सुना होगा। दिस यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय महामना मदन मोहन मालविया, इस विश्वविद्यालय को महामना मदन मोहन मालविया ने स्थापित किया था। यू नो दैट वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ होली रिवर द गंगा, तुम्हें पता होगा कि वाराणसी शहर पवित्र नदी गंगा के किनारे बसी हुई है। रमन बोलता है, हैव यू एवर बाथ इन द गंगा, क्या तुमने कभी गंगा में स्नान किया है। अभिषेक बोलता है, यस आई हैव बाथ सेवरल टाइम्स, हाँ मैं कई बार स्नान कर चुका हूँ। वंस मुकेश हैड गॉन विथ मी टू विजिट वाराणसी, एक बार मुकेश भी मेरे साथ वाराणसी देखने गया था। ही ऑल्सो टुक ए बाथ इन द गंगा, वह भी गंगा में स्नान कर चुका है। मुकेश बोलता है, यस आई हैव ऑल्सो बाथ, हाँ मैं भी वहाँ स्नान कर चुका हूँ। फिर रमन बोलता है, आई विल प्लान टू विजिट वाराणसी विथ माई पेरेंट्स, मैं भी प्लान करूँगा कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ वाराणसी देखने जाऊँ। अभिषेक बोलता है, सर्टेनली वेन आई सेल बी इन वाराणसी यू शुड
प्लान टू विजिट विथ योर पेरेंट्स। निश्चय ही जब मैं वाराणसी में रहूँगा, तुम्हें अपने मम्मी पापा के साथ वाराणसी देखने के लिए आना चाहिए। आई विथ माई फैमिली मेम्बर्स विल रिसीव यू। मैं और मेरे परिवार के लोग तुम्हें रिसीव करेंगे। इट विल बी माई प्लेजर दैट यू विल बी देयर विथ अस। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी कि तुम भी हमारे साथ वहाँ रहोगे। रमन, वेयर इज योर नेटिव लैंड? ये रमन, तुम्हारा अपना जन्म स्थान कहाँ है? रमन बोलता है, इट इज पटना। कि पटना में ही है अभिषेक? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। देन आई विल गो एट योर रेसिडेंस विथ माई फ्रेंड मुकेश। तब तो फिर मैं तुम्हारे घर अपने दोस्त मुकेश के साथ जा सकता हूँ। मुकेश, डू यू नो द वेयर अबाउट ऑफ द रेसिडेंस ऑफ? रमन मुकेश से पूछ रहा है, मुकेश क्या तुम्हें पता है कि रमन का घर कहाँ है? मुकेश बोलता है, यस आई नो वेरी वेल। हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। आई हैव गॉन देयर सेवरल टाइम्स। मैं वहाँ कई बार जा चुका हूँ। दैट इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम माई रेसिडेंस। इसका घर मेरे घर से बहुत दूर नहीं है। अभिषेक बोलता है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव ए फ्रेंड लाइक यू रमन। अभिषेक बोलता है, रमन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। रमन बोलता है, थैंक्स, धन्यवाद। आई एम ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट, मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ। और यहाँ पे चैप्टर 4 समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ इसमें वर्ड मीनिंग इसका दिया हुआ है और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ क्वेश्चन आंसर, इसको आंसर बनाने के लिए दिया गया है। यह मैच द फ्लोइंग बनाने के लिए दिया गया है। मैं इसका बना के आप लोगों को एक साथ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इस 3 नंबर में इसके वर्ड को करेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। करेक्ट द रीराइट दिज वर्ड्स, ये गलत स्पेलिंग है, इसको सुधार के लिखने के लिए बोला जा रहा है। 4 नंबर में द नेम ऑफ सिटीज एंड द नेम ऑफ द रिलेटेड रिवर्स, ये शहरों के नाम और उससे संबंधित जो नदियाँ हैं उसको इसमें मिलाने के लिए, मैच करने के लिए बोला जा रहा है। तो आइए मैं आप लोगों को एक ही बार सारे क्वेश्चन का आंसर बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 4 का ये क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर डिजिटली टाइप करके दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आप लोग इसको पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख सकते हैं, साफ साफ दिखाई देगा आप लोगों को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज विथ मुकेश? अभिषेक इज विथ मुकेश। वेयर इज अभिषेक फ्रॉम? अभिषेक इज फ्रॉम वाराणसी। वाई इज वाराणसी फेमस फॉर? वाराणसी इज फेमस फॉर इम्पोर्टेंट टेम्पल्स। हु फाउंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? महामना मदन मोहन मालविया फाउंडेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वाट डज अभिषेक फादर डू? अभिषेक फादर इज ए बैंक एम्प्लॉय। वेयर डज अभिषेक लिव इन पटना? अभिषेक लिव्स एट कंकरबाग इन पटना। वाट आर द फेमस टेम्पल इन वाराणसी? द फेमस टेम्पल्स इन वाराणसी आर बाबा विश्वनाथ टेम्पल एंड बाबा संकट मोचन टेम्पल। 2 नंबर में आप लोगों को मैच करने के लिए दिया गया था, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं और इसको मिला सकते हैं। मैंने इसका डायरेक्ट आंसर दे दिया है। और 4 नंबर में जो सिटी और रिवर का नाम मिलाने के लिए बोला गया था, द नेम्स ऑफ सिटीज एंड द नेम्स ऑफ रिलेटेड रिवर, इसका आंसर मैंने दे दिया है। आप लोग वहाँ से क्वेश्चन लेके और इसको इसका आंसर यहाँ पे इसके आंसर से देखकर मैच कर सकते हैं। आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप लोग हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो आइए हम लोग अगले चैप्टर पढ़ने के लिए अगले वीडियो में चलते हैं।